अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और मुझे तो ये बेहद पसंद है। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं तो मन कर रहा था कि कुछ ठंडा पिएं, तो मैंने सोचा क्यों ना स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाया जाए और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो फिर चलिए देखते हैं ये स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक मैंने कैसे बनाया है और इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर दें। तो स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूध लिया है 1 कप, फ्रेश क्रीम ली है मैंने 2 खाने के चम्मच, चीनी ली है मैंने 2 टेबलस्पून। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं, या फिर मीठा कम पसंद करते हैं तो आप कम डालें। और ये 10 स्ट्रॉबेरी ली है मैंने, इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट लिया है ताकि हमें इसे ग्राइंड करने में, इसे पीसने में हमें आसानी हो जाए। तो ये चीज़ें चाहिए हमें स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये जूस वाला जार ले लिया है, इसमें हम ये स्ट्रॉबेरीज डाल देंगे और इसी के साथ हम ये चीनी भी इसमें डाल देंगे। तो इन दोनों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, यानी इसे पीस लेंगे। बहुत ही स्मूथ हमें इसे ग्राइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो स्ट्रॉबेरीज है वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है, इसे हमने बहुत ही बारीक पीस लिया है। तो अब हम इसमें ये दूध ऐड करेंगे और दूध के साथ ही हम इसमें ये क्रीम भी ऐड कर देंगे। तो अब हम मिक्सर को बस 1 मिनट के लिए चलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा 1 मिनट हो चुका है, इसे हमने 1 मिनट तक अच्छे से चला लिया है। तो अब हमारा जो मिल्कशेक है वो रेडी है, तो इसे हम सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग ग्लास ले लिया है, इसमें हम ये सारा मिल्कशेक डाल देंगे और इसे स्ट्रॉबेरीज से इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। इसके बाद हम इसमें स्ट्रॉबेरीज के छोटे छोटे पीस ऊपर से डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आइस क्यूब डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये जो मैंने दूध लिया है ये काफ़ी ज़्यादा चिल्ड है, क्योंकि इसे मैंने अभी फ्रिज से निकाला है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। तो इन गर्मियों में आप भी इसे ट्राई करें, मुझे यकीन है ये आपको बहुत पसंद आएगा और इसे पीकर आप बहुत ही फ्रेश फील करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को दबाकर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।